जैसी उम्मीद थी उतना हंगामा या बवाल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता बैठक में तीखी नोकझोंक के कई मौके आए। विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आपस में भिड़ गए, तो एनसीपी के शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। इसी तरह एक बार ममता बनर्जी कांग्रेस पर उखड़ गई कि यहाँ एकता की बात हो रही है और वहाँ बंगाल में कांग्रेस के नेता धरना दे रहे हैं और लगातार टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। हुआ यूं कि पहले से घोषित एजेंडे पर अमल करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बैठक में जब उनकी बारी आई तो दिल्ली में सरकार के अधिकार पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की चर्चा की और कहा कि इस पर राज्यसभा में सारे विपक्षी दल आपका समर्थन करें। केजरीवाल ने इसकी चर्चा करते हुए कांग्रेस की तरफ बंदूक मोड़ दी और सनसनीखेज आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा में अध्यादेश को लेकर गुपचुप समझौता हुआ है कि जब राज्यसभा में वोटिंग होगी तो कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर जाएंगे। केजरीवाल की ये बोलते ही हंगामा मच गया। तुरंत दूसरी तरफ से मोर्चा संभाला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने और कश्मीर में धारा 370 को हटाने के दौरान आम आदमी पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाया। अब्दुल्ला ने केजरीवाल से कहा, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला किया था तब तो आपकी पार्टी ने सरकार के साथ वोट किया था, तब तो आपने हमारा समर्थन नहीं किया। आज आपके ऊपर संकट आया है तो आप चाहते हैं कि सब आपका साथ दे। केजरीवाल और उमर के उलझने पर शरद पवार ने बीच बचाव का मोर्चा संभाला और केजरीवाल से कहा कि आम आदमी पार्टी को एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से सीखना चाहिए। पवार ने कहा, दोनों पार्टियां 25 साल से एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रही थी, लेकिन जब समय की जरूरत हुई तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। साथ काम करना है तो मतभेद दूर रखने होंगे। हालांकि मीटिंग के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने कहा, विपक्षी दलों की राज्य सरकार के सामने कोई चुनौती आती है तो सब साथ रहेंगे। अरविंद केजरीवाल मीटिंग में रहे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फ्लाइट पकड़ने के लिए निकल गए थे।